एक क्लास है 123 इडियम्स की क्लासेस हैं। पहला वर्ड है हमारा आज का लेट ऑफ। लेट ऑफ डबल ऑफ है इसमें, तो ये है आपका मीनिंग इसका, पनिश लीनियंटली। लीनियंटली, पनिश लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है बड़े सॉफ्टली, बड़े ही दयालुता पूर्वक। जैसे एक होता है मार्किंग करते हैं टीचर, तो लीनियंट मार्क, हार्ड मार्किंग होती है, भाई यार बहुत मुश्किल से नंबर दिए, एक होता है लीनियंट मार्किंग। और लीनियंसी का मतलब भी होता है विनम्रता, कोमलता, सॉफ्ट कॉर्नर के हिसाब से, है ना। तो यहां पर यह है कि छुट, सजा तो मिली लेकिन वो छुट गया, मतलब कम में ही छुट गया, पॉइंट समझ रहे हो। उसे सजा तो मिली, उसने मिस्टेक की, उसे सजा तो मिली लेकिन फिर भी कम में छूट गया, बहुत आसान है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। तो जो दया दिखाई उन्होंने, विनम्रता दिखाई, तो लेट ऑफ, छूट गया, कम में ही छूट गया मतलब, ठीक है। इस तरीके से ये वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड, गिव। गिव अवे, बहुत अच्छा वर्ड। डिस्ट्रीब्यूट, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये वर्ड तो मैं आपको डायरेक्ट वैसे भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके साथ का जो एक्सपीरियंस है टीचर, देखो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर कहा जाता है, और एक्सपीरियंस इज अबव, सबसे ऊपर एक्सपीरियंस है। वो जो एक्सपीरियंस हर वर्ड के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट रखता है, वो इम्पोर्टेंस रखता है, वो सिग्निफिकेंस रखता है। गिव अवे, अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब खासकर प्राइज वगैरह, जैसे प्रिंसिपल है वो क्या करता है, जो बच्चे मेरिटोरियस, मेरिट में जो आते हैं, मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं, टॉपर कैंडिडेट होते हैं, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, गिव वे के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और चार मीनिंग दे देंगे, या डिस्ट्रीब्यूट दे देंगे उनके नीचे ऐसे दे देंगे। तो आपको बताना है कि उसका मीनिंग सेम क्या है, सिनोनिम्स क्या है, क्लियर। तो ये वाला हमें डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होता है। नेक्स्ट वर्ड ये है आपका तीसरा, कम ऑफ। कम ऑफ टेक प्लेस के लिए भी होता हैपन के लिए भी होता है, ठीक। मेनली तो इन्हीं के लिए होता है, जैसे कोई पार्टी है, ठीक, पार्टी विल टेक प्लेस इन द मॉर्निंग, पार्टी विल हैपन, पार्टी विल कम ऑफ, क्लियर। एक कम ऑफ ये भी होता है, जैसे घर में या कहीं दीवार पर प्लास्टर जब बाहर आता रहता है, वो जो पपड़ी सी छुटती रहती है, उसको भी कम ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर इज कमिंग ऑफ। तो उसमें ये वाला वर्ड यूज होता है। ऑफ हमेशा कभी कभी दूर के लिए भी आता है, ओ डबल है ऑफ, क्लियर। तो ये वर्ड आपका तीसरा वर्ड हो गया। थर्ड वर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड, एक दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं लेकिन मैं रिपीट को करता रहूंगा जिससे वो आपको और भी क्लियर हो जाए। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, मैंने आपको बताया था र्यून्ड, अगर ध्यान आ रहा हो आपको, वहां पर बी र्यून्ड लिखा है एक ही बार है। भैया उसकी संगत ऐसी है, बैड कंपनी, जो संगत होती है बुरी संगति में वो रहता है, और भैया वो तो डेफिनेटली क्या होना है, गो टू द डॉग्स होना है। इट मीन्स वो समाप्त होना है, उसका विनाश हो जाएगा, वो हर चीज़ लॉस कर देगा। तो गो टू द डॉग्स मीन्स होता है हु एवर लिव्स इन बैड कंपनी डेफिनेटली गो टू द डॉग्स, बुरी कंपनी। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपना ग्रुप बनाते समय ये जरूर ध्यान दे कि भाई हमारे अपने नेचर के बंदे हैं, कंपटीशन वाले बच्चे हैं, उनको अपना ग्रुप बनाइए, डिस्कशन कीजिए, हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ है गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर। आपको ये वर्ड मैं फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, दे सकता हूँ मैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा।
गेट इन टू होट वाटर का मतलब है बी इन ट्रबल, बी इन ट्रबल। हाँ भाई, बी इन ट्रबल मुसीबत में। गेट इन टू होट वाटर, होट वाटर का मतलब होता है किसी मुसीबत में फंसना। वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसता रहता है, तो ही ऑलवेज गेट्स इन टू होट वाटर, हमेशा ट्रबल्स में फंसा रहता है, अननेसेसरी भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको कहते हैं गेट इन टू होट वाटर। क्लियर? बी इन ट्रबल, बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। वो हमेशा कुछ ऐसा कर लेता है जिससे कि वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है। नेक्स्ट आएंगे, गेट इन टू होट वाटर कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ वर्ड, सिक्स्थ, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड माने होता है काउवार्ड, टिमिड, फियरफुल। और ये जो वर्ड लोग होते हैं ये हमेशा शाई नेचर के होते हैं। चिकन हार्टेड, डरपोक व्यक्ति, एक कायर व्यक्ति, एक डरपोक व्यक्ति। चिकन हार्टेड जिसे कहते हैं, राम इज चिकन हार्टेड, इट मीन्स ही इज कावर्ड, ही इज टिमिड, ही इज फियरफुल और ही इज शाई। शाई नेचर के जो लोग होते हैं ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट अपने आप में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनके अंदर जो चिकन हार्टेड में, ये नहीं है कि निगेटिव वर्ड है, शाई नेचर के लोग अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, वो अपनी जो क्रिएटिविटी होती है उसको बहुत बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं। तो चिकन हार्टेड, कावर्ड, टिमिड, फियरफुल। अब मैं अगर आपको डायरेक्ट वर्ड देता तो लिमिटेड वर्ड देता, केवल टीमिड लिखा हुआ था, लेकिन मैं इसमें आपको क्या कर रहा हूँ, इसमें आपको डिफरेंट वर्ड दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत कहीं तक भी ना आए। नेक्स्ट चेक करें, ये वर्ड था चिकन हार्टेड हो गया। सेवेंथ वर्ड, एन एक्स टू ग्रिल, एन एक्स टू ग्रिल। ठीक, सेल्फिश मोटिव। हाँ भाई, एन एक्स टू ग्रेन, सेल्फिश मोटिव, स्वार्थ। जब व्यक्ति का स्वार्थ होता है, वो यहां पर आया, ही हैज कम हेयर काहे के लिए, ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड, उसका तो कुछ ना कुछ स्वार्थ है, डेफिनेटली ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड, कुछ ना कुछ सेल्फ मोटिव है। इसी का एक वर्ड बहुत अच्छा याद आ रहा है मुझे, ये तो होते हैं स्वार्थी लोग। ठीक, एक होता है Altruism, एल्ट्रूइज्म करेंगे इस वर्ड को। ये सेल्फलेस होता है, सेल्फलेस, निस्वार्थ। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों के वेलफेयर में रहते हैं, कॉपरेट करते हैं, ये, लेकिन ये लोग तो स्वार्थी होते हैं, ये केवल जब इन्हें अपना कोई काम होता है जब ही आपसे बात करेंगे, अदरवाइज नॉट। तो ये इस टाइप के बंदे होते हैं। तो ये भी आपका हो गया, सेल्फिश मोटिव भी हो गया। एट्थ वर्ड, एट वंस फिंगर्स एंड्स, एट वंस फिंगर्स, फिंगर्स, फिंगर्स में भी इन्होंने एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, चिन्ह, एंड्स। भैया एट वंस फिंगर्स एंड, जैसे हम कहते हैं एट वंस, उसके तो सब टिप्स पे है, इट मीन्स बी मास्टर ऑफ, बी मास्टर ऑफ, एक्सपर्ट। वो तो क्या है भैया, एक्सपर्ट है, मास्टर है इस फील्ड का। तो यहां पर वंस, उसकी तो हर चीज टिप्स पे रहती है, कोई पूछो, ही इज द मास्टर, ही इज द एक्सपर्ट। ठीक है, तो ही इज एडवांस फिंगर एंड, तो ग्रामर रूल्स आर एडवांस फिंगर्स एंड। क्लियर, उसके तो भैया टिप्स पे है सारी चीजें, तो बी मास्टर ऑफ एडवांस फिंगर्स एंड्स। क्लियर,
कोई भी चीज आपके टिप्स पे है तो उसको फिंगर्स एंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ, नाइन्थ वर्ड ऑल ग्रीक एंड लेटिन, ऑल ग्रीक एंड लेटिन। ऑल ग्रीक एंड लेटिन का मतलब है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड का मतलब होता है आउट ऑफ, जो आपकी पहुंच से बाहर होती है। तो ऑल ग्रीक एंड लेटिन का मतलब होता है कि जो आपको समझ में नहीं आती, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से बाहर, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर भाई? मान लीजिए कोई ग्रामर के रूल नहीं जानता, तो ग्रामर रूल्स क्या है उसके लिए? आर ऑल ग्रीक एंड लेटिन। मैथ्स के रूल नहीं जानता तो मैथ्स रूल्स जो है सब उसके लिए क्या है? ऑल ग्रीक एंड लेटिन। क्लियर? ये इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। नाइन्थ वर्ड आपका हो गया क्लियर। नाइन्थ वर्ड आपका हो चुका है। नेक्स्ट है दसवां वर्ड, दसवां वर्ड है अ फूल्स पैराडाइज, आ फूल्स पैराडाइज। इसको वर्ड है यूटोपिया। अभी करते हैं, पैराडाइज जो होता है वो स्वर्ग के लिए आता है, पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज, यूटोपिया का मतलब इमेजिनरी, अनरियल, इमेजिनरी, इमेजिनरी, अनरियल, फूल्स पैराडाइज। कुछ लोग होते हैं जो कुछ करेंगे नहीं, जैसे एक वर्ड किया था कैशल इन द एयर, हवाई पुल बांधना, दे डू नथिंग, दे ओनली थिंक। तो ऐसी कुछ ये है कि ये लोग अनरियल लाइफ जीते हैं, काल्पनिक जीवन जीते हैं, इसको यूटोपिया कहते हैं, अनरियल कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, इसलिए मूर्ख लिखा हुआ है पहले, ए फूल्स पैराडाइज। क्लियर? ए फूल्स पैराडाइज। एक वर्ड और करेंगे, छोटा सा वर्ड है हैंग टुगेदर, हैंग टुगेदर। बस एक छो, ये लास्ट वर्ड है एक्सरसाइज का। हैंग टुगेदर का मतलब होता है सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना, ये सब इसमें आते हैं, सपोर्ट करना, हैंग टुगेदर, आपस में एक साथ, कंबाइंड टुगेदर कहते हैं, हैंग टुगेदर। एक वर्ड और है बाइंड टुगेदर, बाइंड टुगेदर, ये सब क्या है? एक साथ एकजुट होना, गेट टुगेदर। ठीक है, इसको इतना।